जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ ज्योतिष के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके अक्षर की, आपके लेटर की, क्या आपका स्वभाव के कड़वा सच क्या क्या है, उस पर हम बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत संवेदनशीलता, इनमें भावनात्मक संवेदनशीलता बहुत होती है, भावनात्मक संवेदनशीलता बहुत होती है, एक सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए बात है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, दया, दया ही दुख का कारण है, ये बात बिल्कुल इन पर फिट बैठती है। लोगों के प्रति संवेदनाएँ, दया भाव और मदद करना एक बहुत बड़ा इनका सच है। तीसरी बात है कि ये लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, किसी भी काम को करने का सही तरीका इन्हें बहुत अच्छे से आता है, एक बहुत अच्छी होती है, इनकी बहुत कम लोगों से बनती है, लेकिन जिनसे बनती बहुत अच्छी बनती है। और कई केसों में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा, हर मोहल्ले हर गली में इनके दो चार पांच पहचान के मिल जाएंगे, ये इनके साथ एक बहुत अच्छी बात है। एक बात ये भी इनके साथ कि जब किसी का साथ देते हैं, लास्ट टाइम तक साथ देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात इनके उभर कर बाहर आती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा निराश और हताश भी पाए जाते हैं, बहुत से लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत हताश निराश, जिनमें कोई रास्ता नहीं उन्हें दिखाई देता, क्या करें क्या नहीं करें, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उम्मीद हमेशा बरकरार रखें, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, बड़ा सोचें, असंभव सोचें, तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए, जीवन के लिए हमेशा अच्छा रहे। एक और पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करना चाहेंगे कि ये लोग अपनी तौर तरीक़ों से, अपने रवैये से कई बार बहुत कुछ कह जाते हैं जो समझने जैसी बात है, तो मददशील होते हैं, लोगों के प्रति बड़ी संवेदनाएं होती हैं और ओवरऑल अपने दोस्तों का बहुत सपोर्ट करते हैं। ये लोग किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पाई जाती है कि जब प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो बहुत अच्छे प्रतिस्पर्धा करने में बहुत माहिर होते हैं। एक बात ये भी उभर के ओवरऑल जो देखी जाती है वो ये है कि ये लोग दूसरों से तुलना करना जो है उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 95% लोगों के साथ ये होता है, लेकिन 5% लोग ऐसे भी हैं जो तुलना करते रहते हैं और बहुत बार कई तरह की बातें उभर कर बाहर आती हैं, तो उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कोई मसला है तो बहुत अच्छा नहीं है। ओवरऑल बहुत अच्छे लोग होते हैं, मिलनसार, लोगों के प्रति सपोर्टिव होते हैं, ईश्वर पर यकीन रखते हैं, कभी कभी थोड़े से जो अपवाद स्वरूप नास्तिक मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने रंग में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती और रंग में रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लिखे कि आपको वीडियो कमेंट्स में कि कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट्स में लिखना है जय श्री महाकाल, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।